जिंदगी का आखिरी टूर है। चल आखिरी टूर कहाँ से है? तमाम मोमिनीन को ईद गदीर बहुत 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 मुबारक हो। नाली मांदे अपने मका दे गाजी तालम लवाते किने अमेरिकन जीप पे चेक करो जी, भाई ने स्पेशल भर ली, छत खोल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। नाश्ते नुश्ते लग गए या फिर? यार तू पागल है यार, यार तू पागल है। सुबह सुबह ना सलाम ना दुआ, पागल है पागल है पागल है। बेटा उन्हों का घर है, असि मेहमान आए हैं, ड्रामे ना कर। मेहमान बनो तो खा लें की सुबह शार्ट ले रहे पहले रोटी खा। रोटी खा तो तू खा, तेन किने मना किया? तू खा, शाबाश। आपको अकल मौत इतनी होनी चाहिए, ठीक है। सलामकुम जी, सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ते के बाद आपको सारा सीन बताते हैं। नाश्ते में हमारे पास है ऑमलेट, फिर ये है जी क्या, ये आलू की भुजिया। आलू की भुजिया बहुत मजे की बनती है। ये आ गए जी पराठास, ब्रेड और टिश्यू, और ये आ गया केक, चॉकलेट केक, और ये क्या चाय। ये आ गई चाय और ये आ गया चॉकलेट केक। हाय 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 हाय, बिस्मिल्लाह करो यार भाई जान, क्या निकल आया कर मोबाइल तो यार शमीर तू भी और नंबर ना दिखाई, नंबर चेंज करना पड़ जाएगा जिसका भी नंबर हुआ। बिस्मिल्लाह करो यार, अब नाश्ता करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मजे रहा है? मजे का यार, हाँ मजेदार भुजिया बहुत मजे की है। व्हाट अबाउट द चाय? हाँ हाँ हाँ, शुक्र अल्लाह, नाश्ता कर लिया, कपड़े चेंज कर लेते हैं। ये आ गया अभी कंप्लीट नहीं हुआ यार, रुक जो, सिद्धू रह गया अभी, ये पहन लेते हैं। 1 2 ओके जी, तो आपका भाई रेडी हो चुका है इस दिन के लिए, आज के दिन के लिए और आज के सारे व्लॉग के लिए। मैं शलवार कमीज लेके आया था, मैं प्रॉपर रेडी हूँ। ये रहा डोगर का सामान और ये रहा हैदर का सामान। हैदर साहब शलवार कमीज नहीं लेके आए थे, तो रात को जाके नया लेके आए, क्योंकि आज के दिन शलवार कमीज जरूरी है भाईजान। अच्छा, हैदर यहाँ नहा रहा है, डोगर दूसरे वॉशरूम में नहा रहा है। जैसे ही ये नहा के निकलते हैं, सारा सीन आपको बताते हैं और फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं। हैदर आ जा यार, आ जा, खोल दूंगा वरना आ जा, लेट हो रहे हैं। बल्ले क्या खोलूं, आ जा डोगर, दरवाजा खोल के नहा रहा है। खोल दू, खोलू जल्दी कर, लेट हो रहे हैं, हरी अप। ओए आओ जी, कैसी हो? सॉरी, कैसे हो मेरे जहाज? आई नो तुम थक गए हो यार, जाके तुम्हारी डेंटिंग पेंटिंग सफाई सफुई हर चीज तुम्हारी ईच एंड एवरीथिंग टिप टॉप करवा दूंगा, बस मुझे लाहौर वापस जा लेने दो। अच्छा जी, ये वाला जो सारा गेस्ट हाउस है ये हमारे पास है, कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आपको इसका टूर करवाऊंगा, लेकिन वी आर गेटिंग लेट, वापस आके आपको करवाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, मैं इधर उधर वाला कोई काम नहीं कर सकता, जो काम करने आया हूँ पहले वो करूंगा, कल नहीं परसों से मैंने इसकी तैयारियां स्टार्ट की हुई है। हर चीज आपको दिखाते हैं और स्कर्दू में ये दिन कैसे मनाया जाता है ये भी आपको साथ साथ बताते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आ जाओ भाई आ जाओ, माशाल्लाह ईद मुबारक आपको, ईद बहुत 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 मुबारक हो आपको, बहुत बहुत सरकार ईद मुबारक, ईद मुबारक मेरी जान, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा जी सानू ही मिल लो, हाँ जी मिल लो सरकार, ईद मुबारक जी। अच्छा जी, आपको और सारी की सारी रजे फैमिली को, आउट ऑफ रजे फैमिली को, तमाम मोमिनीन को ईद गदीर बहुत 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 मुबारक हो। ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक आपको भी, ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक बच्चे, ईद मुबारक मेरी जान, ईद मुबारक। अच्छा जी, तमाम मोमिनीन को ईद गदीर बहुत मुबारक हो। अब जिनको नहीं पता कि ईद गदीर क्या है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, होता है लैक ऑफ नॉलेज होता है। मोमिनीन की सबसे बड़ी ईद है ईद गदीर,
अच्छा अब जिनको नहीं पता उनके लिए ईद गदीर को एक्सप्लेन करेंगे डोगर साहब कि ईद गदीर पे क्या हुआ था, सबसे बड़ी ईद इसको क्यों कहा जाता है। बिस्मिल्लाह डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार जो ईद गदीर है मोमिनीन के ज़ुलहज में ना दो ईदें होती हैं, एक ईद होती है ईद गदीर और एक होती है ईद मुबल्ला। मैं दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। ईद गदीर में नबी ने खुम के मौके पर अपना जानशीन मुकर्रर करना था, 125,000 हाजियों को बुला के सब सहाबा कराम को बुला के नबी ने मैदान खुम में लोगों को वेट करवा के मौला अली अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करके लोगों को ये बताया मन कुन तुम मौला फहाजा अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये ईद जो गदीर है ये बेसिकली मोमिनीन की असल ईद है, ठीक है। और उस दिन ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज मैंने तुम पर दीन मुकम्मल कर दिया, बेशक, ठीक है, और तुम पर अपनी तमाम नेमतें निछावर कर दी। जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अली से अली से मोहब्बत करेगा। मौला का हाथ पकड़ के ऐसे उठाया था जिसकी तस्वीर मैंने ईरान में भी देखी थी, ठीक है। जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अली मौला। फिर आगे एक मोमिनीन की ईद होती है ईद मुबल्ला जी, जिसमें कुछ ईसाई भाई हमारे जो कि उस टाइम पे नहीं थे मानते, उन्होंने अपने जो पादरी जो भी कह लो उनको फादर होते हैं, हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाला करना है। फिर सरकार ने उनके मुकाम पे बुलाया, पर उनको रात में उनके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम या जो भी ख्वाब में आए उन्होंने कहा कि ये सच्चे हैं, आपने इनसे मुबाला नहीं करना, सही, ठीक है। उस दिन भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की जीत हुई थी, वो भी मोमिनीन की ईद असल ईद है, ईद मुबाला। आप सबको ईद गदीर बहुत मुबारक हो। और ये थी डिटेल ईद गदीर की। अच्छा हम लोग, मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग कहीं और भी जा सकते थे, हुंजा जा सकते थे, कुंजरा पास जा सकते थे, कश्मीर जा सकते थे, लेकिन स्कर्दू इसलिए आए, मैंने स्कर्दू की बहुत तारीफ सुनी है भाईजान, क्योंकि 95% यहाँ पर जो है ना जितनी यहाँ पर आवाम है 95% आवाम सारी की सारी मोमिन है, ठीक है। यहाँ पर ईद गदीर बहुत खूबसूरत तरीके से मनाई जाती है, हमारे वहां पर भी मनाई जाती है, लेकिन क्या लोग इस तरह नहीं, इस तरह क्रेज के साथ नहीं, जैसे छोटी ईद पे या बड़ी ईद पे हमारे सारे बाजार बंद होते हैं, स्कर्दू के अंदर ईद गदीर पे ईद मुबल्ला पे सारा का सारा स्कर्दू बंद होता है और हर बंदा जो है ना वो इसको मनाता है बड़े अच्छे तरीके से। तो हमारा यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ यही था कि मैंने ईद गदीर स्कर्दू में करनी है। अब मैंने छोटा सा एक इंतजाम किया हुआ है अपनी औकात के मुताबिक जो मैं कर सकता हूँ ईद गदीर के लिए। भाईजान हमारी जो जो चीजें हमने ऑर्डर की हैं सारी चीज रेडी है, सिर्फ पिक करना है। एक चीज तो आ गई है हमारे पास, ठीक है, वो पिक कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, ठीक है। लाहौर में अम्मा कर रही हैं, यहाँ पर मैं करूंगा। निकलते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, आपको दिखाते हैं कि स्कर्दू वाले कैसे ईद गदीर सेलिब्रेट करते हैं, उसके अलावा मैंने क्या क्या लिया हुआ है, मैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, सारा कुछ दिखाते हैं। भजन चले, काफी लेट हो रहे हैं। और ईद गदीर के मौके पे मैंने पहन ली है गवर्नर साहब की दी हुई टोपी, हैदर ने भी पहन ली है, डोगर ने भी पहन ली है, सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही डोगर को, क्या बात है, डोगर ब्रांड है। आजो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, पहला हमारा तबरुक है, जूस के पैट हैं 10 हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं भाई आराम से ये आ गए, ठीक है जी, ये डिग्गी में डाल लेते हैं, उसके बाद जाके नेक्स्ट चीज पिक करेंगे। अम्मा ने कहा था किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, मैंने कहा अम्मा जी आप लाहौर में करो, मैं स्कर्दू में करूंगा, क्योंकि मैंने स्कर्दू का इस बार सारा निजाम देखना है कि किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। भाई मैं हेल्प करूं, लाओ एक हाथ कैमरा एक हाथ दे दो, ये हमारा भी हिस्सा डाल जाएगा ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अरे 5 हो गए, ठीक है, 7 और ये 3, 10, ये मैंने रात को ही ले लिए थे लेकिन आपको दिखाए नहीं थे क्योंकि आज के व्लॉग में दिखाने थे, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 9 और 1, 10, ठीक है, चलो जी बंद करो, निकलिए, चले जी, आ जाओ यार डोगर हैदर, आ जाओ यार जल्दी करो, हरी अब, चलो जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा जी निकल चुके हैं हम शाह विलास से। अच्छा अब हम जा रहे हैं अपना दूसरा तबरक पिक करने, है ना, दूसरा रेडी है, दूसरा तबरक भी हमारा रेडी है, जाके उसे पिक करते हैं, उसके बाद तीसरा भी पिक करना है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, साथ साथ रहेंगे। ये देखो भाई सारा का सारा बाजार बंद है, कोई एक सिंगल दुकान भी आपको खुली हुई नहीं नजर आएगी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो है ना वो ईद सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, खाने शाने खाते हैं, दावत करते हैं, सही है, प्रॉपर सेलिब्रेट की जाती है यहाँ पर स्कर्दू में ईद गदीर। चलो माशाल्लाह, रख दे भाई, रख दे रख दे रख दे, माशाल्लाह माशाल्लाह, ईद जश्न गदीर मुबारक, जबरदस्त यार, प्यारा सही है, फिट है, ओके भाई ठीक है, पैक कर दे, थैंक यू भाईजान, बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच, पैक कर दो, डिग्गी में रखते हैं और निकलते हैं। सर ये लें, थैंक यू, आजो जी आजो आजो आजो, ये आ गया जी अपना दूसरा तबरक। अब गर्मी है, ठीक है, पहले हम केक कट कर लेते हैं, उसके बाद जो फर्दर काम रह गए वो करेंगे। चलो ब्रो सरकार, चलो चल भाई आजो जी आजो 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 आजो, आए 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 आए, अंदरून लाहौर की याद आ गई मुझे, ये गली देख के ना अंदरून लाहौर की याद आ गई, न्याजबे की या अंदरून लाहौर की, है ना, अंदरून स्कर्दू।
सबको चलो प्लीज बैठे थैंक यू उसको मीसम की खुशी ने मार डाला। अच्छा जी माशाल्लाह आप सबकी बहुत प्यारी आवाजें, आपके सारे दस्ते की माशाल्लाह आवाज बहुत प्यारी है। मेरा इतना सुरीला गला तो नहीं है लेकिन यह कि पंजाबी में एक दो लाइनें बिल्कुल बिल्कुल मैं भी सुना देता हूँ आप। बिस्मिल्लाह आप कंट्रीब्यूट करें जी। आप जरा नहीं करेंगे आवाजें बुलंद कर सलावात। गलती बताई माफी रहीम पंजा दे बूहे उत्ते आते वेखी तेनू रंग लग जानगे पंजा दे बूहे उत्ते आ ते वेखी तेनू रंग लग जानगे मन ले मेरी तू सला ते वेखी तेनू रंग लग जानगे मन ले मेरी तू सला ते वेखी तेनू रंग लग जानगे मन ले मेरी तू सला ते वेखी तेनू रंग लग जानगे रब भी ते को मिल जासी सोना नबी भी टुरया सी रब भी ते को मिल जासी सोना नबी भी टुरया सी सब दी हर एक मुश्किल पल विच हल हो जावे सब दी हर एक मुश्किल पल विच हल हो जावे नाली मां दे अपने मका दे नाली मां दे अपने मका दे गाजी दा लम लवा ते वेखी ते मन ले मेरी तू सला ते वेखी तेनू रंग लग जानगे दर की सरजमीन मिले शम्स ज़हरा के दुश्मनों के लिए शम्स ज़हरा के दुश्मनों के लिए लानतों की कोई मशीन मिले लानतों की कोई मशीन मिले दुश्मन चला। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत प्यारी महफिल हो गई माशाल्लाह 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 बहुत प्यारे गले हैं किसी की नजर ना लगे ठीक है और थोड़ा सा सुर जरा मुझ में भी आ जाए मेरा सुर कम है ठीक है चाहे केक कटिंग कर ले भाई ज्यादा चाहे सही आएगा सही आओ आगे और सबसे छोटा बच्चा कौन है यहाँ पे आप आओ जरा आओ मेरी जान आओ हाथ दो आ जाओ भाई के साथ आओ केक कट करो सही उठ जाओ बैठ के नहीं कटना केक उठ जाओ आ जाओ यार सारे भाई आ जाओ पीछे आ जाओ बिस्मिल्लाह आ जाए भाई आ जाए केक कटिंग कर ले आ जाओ यार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ईद गदीर सबको बहुत 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 मुबारक हो ईद गदीर मुबारक अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फजहुम अजमाइन नारा हैदरी मुबारक जान। अच्छा जी अभी डोगर साहब एक जो है ना वो सुनाना चाहते हैं सुनाओ डोगर साहब सुनिएगा भाई मेरे मुर्शिद पीर शफकत शाह बादशाह जामरा शरीफ आसिया शाहजमान तेरी चढ़ी रवे कमान पाक दीदारन दो जग तारन बचड़े अली अली पुकारन किसे मैदान ना हारन अली लाल कलंदर थैंक यू सबको ईद मुबारक भाई जान बहुत शुक्रिया।
केक खाते हुए जाना, बैठे तो आप ही केक खाते। हेलो अच्छा 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 कौन ना धमकिया तेरे लग जाता फौरन यार रोक रहे बदतमीज शख्स कहीं का नाक में चला सॉरी ये ले आप सही खा ले आप सही वादा 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 ओके जी अगले काम पे अपने। अच्छा जी एक घर से अभी निकले हैं मोमिनों के घर से अभी निकले हैं जश्न मना के अब दूसरे घर आए हैं यहाँ पर तो इख्तमाम की जो है ना वो अखीर हुई हुई है भाई आपने कहा था जस्ट चाय पीनी है माशाल्लाह पूरा दस्तरखान लगाया हुआ है। हाँ जी दस्तरखान लगा हुआ आपके मुंह में पानी आ गया सबसे पहले बैठ के जाके आप ये देख। हाँ जी भाई थैंक यू सो मच बहुत खूबसूरत चीजें हैं और मेरी तो फेवरेट ये पड़ी है आए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्कर्दू ट्रीटिंग मी सो वेल ब्रो। बैठो अड्डा साहब बैठो। अच्छा जी अभी नाश्ता किया भूख इतनी खास नहीं है लेकिन मटन बिरयानी की बात आ जाए तो थोड़ी सी टेस्ट करनी बनती है यार। मज़ा आया जबरदस्त। अच्छा जी ये आ गए स्कर्दू के शाही टुकड़े आए 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 वाह खा रहे हैं कमाल थैंक यू सो मच भाई खाना बहुत मजे का था अगर नाश्ता ना किया होता तो सारा खाली कर देते थैंक यू भाई थैंक यू चलिए यार आजो। अच्छा जी अभी हमारे बहुत ही प्यारे भाई अमेरिकन लेके आए हैं गाड़ी हमारे लिए क्या नाम है इसका इसका नाम क्या शामिर इसका नाम क्या रिंगलर तो मैं तो चलाऊंगा ये वाली आप एक काम करो आप वो दूसरी गाड़ी ले आओ चलते हैं मेरे ख्याल इमाम बरगा के पास हाँ जूस जो है ना वो तकसीम कर देते हैं ठीक है भाई चाबी देना इसकी थैंक यू बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओए खुलती किस तरह कैसे खुलती है ये अच्छा आए जीप है भाई पूरी आए 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 बड़ी मजेदार गाड़ी है यार ये कितने सीसी है 3600 वे मेरी 2700 सीसी है और ये 3600 सीसी है माशाल्लाह पूरी जान में है जबरदस्त। अच्छा जी ये आ गई स्कर्दू बल्तिस्तान की मरकजी जामा मस्जिद ठीक है यहाँ पर अब सारे जो है ना जूसों को खोल लेते हैं पैट खोल लेते हैं और यहीं पे तकसीम कर लेते हैं। आराम से डोकर गया चलते यहाँ से आराम से माशाल्लाह ये मस्जिद है जिस कद्दू की बहुत खूबसूरत है नज़ारा चेक करो सामने। अच्छा ये सारा जो आप रश देख रहे हैं ना ये ईद सेलिब्रेट करने ही आए हुए हैं माशाल्लाह। चलो जी ओके जी शुक्र लाल अल्हम्दुलिल्लाह दो हमारे तो बर्क जो है वो तकसीम हो गए हैं अब रह गया है लास्ट बर्क चलते हैं उसकी तरफ पिक कर लेते हैं पहले फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ तकसीम करना है उसको। चलो अच्छा जी ये है दी किचन जहाँ से हमने अपना तीसरा तो बर्क पिक करना है। अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है ठीक है अभी ठीक है। अच्छा वो एक ऑर्डर दिया हुआ था जी आपका रेडी है ये देखिए आए शुक्र लाल अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी अपना तीसरा तो बर्क देग बनवाई है आहा चिकन तो नजर ही नहीं आ रहा इसके अंदर होते नीचे होते कितना भला जी कितना चिकन है 10 किलो पूरा 10 किलो चिकन 10 किलो चावल ये नीचे से निकली ना तो बार फिर लड़ाई हो जानी है हाँ बोटियाँ निकलनी चाहिए नीचे से यार ये डिक्की में रखवा दो भाई डिक्की में रखवा दो थैंक यू चलो देख मेरे यार भाई को पैसे दे दे ये लो भाई थैंक यू आराम से ध्यान से अच्छा ये जगह बनी हुई है इजी होकर रख दो यहाँ पर उठा दो जोर लगा बिरयानियाँ नहीं खाता अपनी बिरयानी खाया करा ताकत लगा ये बिस्मिल्लाह चलो हाँ जी वालेकुम सलाम ले लिया ब्लॉग में ओके थैंक यू चलो ही। अच्छा जी तीसरा तो बर्ग भी पिक कर लिया अब चलते हैं उस जगह जो कि मुझे बहुत ही पसंद है वहां जाके ये पूरी की पूरी देख हम दे आएंगे वो खुद ही तकसीम कर लेंगे खुद ही खिला देंगे और जब तक मैं पहुंचता हूं अपनी फेवरेट जगह आप लोग ये क्लिप्स देख लें आपकी माँ जी और मेरी माँ जी लाहौर में ईद-ए-गदीर कैसे कर रही है वो देख लें।
अस्सलाम वालेकुम, मेरे सारे बच्चों को ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक। आप सबको अहले इस्लाम को ईद मुबारक। अच्छा रजबली पूछता था मम्मा ईद गदीर का थोड़ा सा बता दो, मैं आज खुद ही बता देती हूँ कि ईद गदीर वो दिन है जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली का हाथ उठा कहा था मन कुंत मौला फहाजा अली उल मौला, जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला। ये ईद बहुत बड़ी है, वो मौला सबको बामुराद करे। आज के दिन जो जो जिस जिसको चाहिए मौला, जो जो मांगे उसको भर के मुरादे मौला दे दो, सबकी झोलियां भर दो। और मेरा भी आज दिल को कि आज खाना खिलाना लंगर बांटना बहुत बहुत ज्यादा मुजरब है। मैं भी अपने बेटे कह रही चलो सलमान हम भी लंगर लेते हैं और बांट के आते हैं और मिलाद करके आते हैं, मौला का दुआएं मांगते सबके लिए जिससे मौला आज के दिन का सदका मोहर लगाएंगे इंशाल्लाह। चलो आज हम भी लंगर लेते हैं और फिर मिलाद पे जाके सबको बांटते खुशियां मनाते हैं, दिन खुशियों का आज। चलो जी ये आ गया, चलो जी का शुक्र बड़ा मजा आया हमें मिलाद में जश्न रजवर, इतना मजा आया ना हमें कसम से। और मैंने तबरक भी माशाल्लाह मजे से तकसीम किया, अल्लाह का करोड़ शुक्र, जश्न बड़े मजे का था। अब बाकी बातें घर जा करते क्योंकि हम लोग अभी लोकल सफर कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता था मेरे। जी हम लोग घर पहुंच गए, शुक्र अल्लाह पाक का तबरक बांटा गया, सुकून से मैंने मिलाद सुना, बहुत सूर आया, बहुत मजा आया। वरना एक बात मैंने आप लोगों से कहनी है कि औलाद के बगैर कोई जिंदगी, अल्लाह पाक सबके बच्चों की जिंदगी करे, सलामती करे। रजब अली की गजल के बगैर कसम से हम लोग कुछ भी नहीं है। तबरक बांट रहा है सारा कुछ उसने वहां से बैठ के भी कहा मम्मा आपने जो जो करना आप कर लो। तबरक बांट के आई हूँ, सारा मिला सुन के आई हूँ, जो उसकी कमी ना उसके पापा भी कह दो यार तू क्या तेरी बात सुनता है, जल्दी से को आ जा घर, हमारी बात सो गई। कसम से रजब अली के गजल के बगैर जिंदगी नहीं है, हर माँ की अपने बच्चे के बगैर जिंदगी नहीं है, ना बच्चों की माँ बाप के बगैर और ना माँ बाप की बच्चों के बगैर। कसम से मैं कहती कौन सा वक्त रजब अली वापस घर आ जाए। यार ना आपके पापा भी इतने उदास हुए थे, वो जिम चले गए, कहते यार उसको फोन कर उसको को घर आ जाए वापस, मेरा नहीं दिल लग रहा, सारा दिन ऐसे चुप चुप बैठे रहे। अब वो जिम चले गए, कहते नहीं दिल लगा उसके बगैर, उसको फोन करो कि बेटे घर आ जाए, हमारा नहीं दिल लगता तेरे बगैर। कुछ भी नहीं चाहिए अपनी औलाद के अलावा, वो आप लोग हो तो सब कुछ है। आप लोग की कसम से घर भी अच्छा नहीं लगता जान, आप घर आ जाओ बस। ओके जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम या इब्न अल अमीर अल मोमिनीन, जिसे इस कर्तू में कतलगा भी कहते हैं, इन्होंने बनाई हुई है अंदर कतलगा। जाते हैं यहाँ पर अपना लंगर भी तकसीम कर देंगे और आपको दिखाते भी। अच्छा जी इसे कतलगा कहते हैं जो कि इस कर्तू के लोगों ने खुद मिलकर बनाई है। माशाल्लाह 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 भाई क्या स्टोरी है इसकी। सर ये है कि यहाँ पे पहले जब पूरा रेगिस्तान हुआ, हाँ, सिर्फ रेत थी पहले, तो यहाँ पे तीन नूर दिखे थे ना, नूर तीन अल्लाह के नूर दिखाई दिए थे यहाँ पे, यहाँ के बड़ों को। उसके बाद यहाँ पे ये शबी बनाई गई है। अच्छा यहाँ पर किस चीज की शबी बनाई गई है? यहाँ पे ये बहत्तर शहदा जितने कर्बला में थे, बहत्तर शहदा कर्बला कर्बला में है, उनकी शबी बनाई गई है यहाँ पे। ये जैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आगे है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये जो कब्रें बनी हुई है, ये जो कर्दू के लोग हैं, आम लोग जो हैं वो भी यहाँ पर दफन हो सकते हैं। आप लोग मेरे ख्याल में मुहर्रम वगैरह भी यहाँ करते होंगे। मुहर्रम सारे दस्ते इधर ही है, सारे दस्ते इधर आते हैं, मातमदारी वगैरह सारी जो अदादारी है वो यहाँ पर होती है। और बाहर मेरा ख्याल है कि कोई आ गया दूल्हा, दूल्हे जो शादी होती है जिसकी, हाँ वो दूल्हे की इधर हाजिरी लगती है। अच्छा उसके बाद शादी होती है, मतलब हाजिर के लिए इधर लाते हैं। क्या बात है, ठीक है, जिसकी भी शादी होती है सबसे पहले वो यहाँ पर आता है, फिर मतलब उसकी जो शादी आगे चलती है। अच्छा एक ये आ गया, यहाँ पर कौन कौन है जी? जी यहाँ पर किन की शबी है? अब्बास का अस्ताना बनाया हुआ है, ठीक है, ये सब बीबी जैनब का बना हुआ है, और यहाँ पे कर्बला से खाक ला के यहाँ पे दफन किया गया। माशाल्लाह नारा हैदरी माशाल्लाह, भाई भी डिफरेंट है यार, पहाड़ों के दरमियान में सारा उन्होंने यहाँ के लोगों ने खुद मिलकर बनाई हुई है, ये गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है इसमें, ये सारी कतलगाह जो है ना इन्होंने खुद बनाई हुई है। अच्छा देखें दूल्हा किस तरह आता है, दूल्हा कोई आ रहा है जी, मेरा शादी हुई है, वो पूरा का पूरा ग्रुप ही आ रहा है, अंदर आते हैं तो दिखाता हूँ। ये आए आ रहे हैं सारे आ रहे हैं। अच्छा इनमें से आप दूल्हा कैसे डिफाइन कर रहे हैं? दूल्हा येलो येलो मफलर, एक दो तीन, तीन दूल्हे हैं, हाँ ठीक है, ये तीन दूल्हे हैं जी, माशाल्लाह सही है सही है सही है। दूल्हा भाई मुबारक हो आपको, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, थैंक यू, आपको भी मुबारक हो जी। आप तीनों की इकट्ठी शादी है, इकट्ठी शादी तीनों की? अच्छा अच्छा दोनों की है, जबरदस्त। चलो शाहजी बैठो, इसको आगे कर लो, मिक्सअप कर लो सारी और तकसीम करो। बिस्मिल्लाह करो मेरी जान, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
अच्छा ये जो प्लेट है ना, ये तीन बंदे एक प्लेट खाएंगे, ठीक है? हाँ, भर भर के डाल दे। बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह कर। शमीद, मुझे बोटियां नजर नहीं आ रही हैं। पाजी निकालो बोटियां। निकली आई भाई। हाँ, अगर नहीं निकलती ना बोटियां, चल वापस चले इसके पास। ठीक है ठीक है, निकल आई निकल आई निकल आई निकल आई निकल आई। चल भाई बिस्मिल्लाह कर। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं और मेरा दोस्त बैठ के खाएंगे। डॉक्टर साहेब पकड़ो, न्याज करो पकड़ो। जबरदस्त, कैसा? शुक्र मेरे मालिक, आपका शुक्र। चलो जी, नजर नियाज तकसीम हो गई, अगला काम देखते हैं। ओके जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रही ईद गदीर, जिस तरह मैं सेलिब्रेट करना चाहता था मेरे मालिक ने वैसे ही सेलिब्रेट कराई। क्यों शाह जी, मजा आया? लव यू लव यू। किधर गया डॉक्टर साहब? मजा आया? चलो घर नहीं, घर क्यों चले? अभी एक सरप्राइज रहता तुम्हारे लिए। केड़ा? बस चाहता हूँ, निकलते हैं। मैं उस गाड़ी पे आता हूँ, आप लोग इस गाड़ी पे आ जाओ, निकलते हैं। लास्ट सरप्राइज है, ठीक है? चलो चल भाई, आ जाओ। हम जाएंगे जी अमेरिकन जीप पे। चेक करो जी, भाई ने स्पेशल भर ली, छत खोल दिया, जैसे मैंने बाहर से निकल के गाड़ी चलानी है। ओके जी, तो हम निकल चुके हैं। अच्छा, मुझे डोगर का पता नहीं, लेकिन जो मेरी जान है ना छोटी हैदर, उसको इस तरह की छोटी छोटी चीजें, इस तरह के छोटे छोटे जो सरप्राइजेज है ना, इस तरह के काम करना, इस तरह के एडवेंचर बड़े पसंद है। तो मैंने उसके लिए अरेंज करवाया था। ये भाई हमारे पीछे बैठे हुए, इन्हीं का सारा सेटअप है जहाँ पर हम जा रहे हैं। इनको मैंने कल अपने पास ही बुला लिया। मैंने कहा सुबह हमने ये काम करना है, जैसे गदीर से फ्री होंगे हमने वहाँ जाना है। तो इनको अभी आइडिया नहीं है, वो पीछे आ रहे हैं दूसरी गाड़ी में, अपने जहाज में आ रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के हूँ, पहुँचते हैं, आपको दिखाते हैं। बस छोटा सा लास्ट सरप्राइज है आज के दिन के लिए, उसके बाद व्लॉग कट करते हैं। चलो। हाँ जी, आपको तो समझ लग गई होगी। देख लिया, एक मिनट ये देख, ये देख कहाँ जा रही है, ये देख, ये देख, ये इसे कहते हैं पैरा मोटर, ठीक है? और ये करनी है जी अभी हमने। आए हाय हाय हाय, ये स्पेशल तेरे लिए सरप्राइज है, और डोगर करेगा स्पेशल ये। बेटा मैं तेन चपेड़ा मारांगा, मेरा ट्रिप आया ना करा, पैरा मोटर करनी है, समझ लगी है ना? कहाँ गया वो? देख वो जा रहा है, वो देख, ये देखिए, ये यहाँ से उठेगा और ये जाता, देख देख देखी 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 कहाँ तक जाता है, चेक करी, अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा। ये देख मान मान, तू क्या लगे, एक मिनट चुप कर। वो देख वो चढ़ गया, चढ़ गया, वो देख चढ़ गया, चढ़ गया, हो गया ही। वो क्या सबसे पहले जा रहा है डोगर, पीके लग रहा है, पूरा पीके लग रहा है, चेक कर। अच्छा मेरी बात सुन, कैमरा तो ये बता दिया कैसे यूज करना है, 10-15 सेकंड का अपना शॉट लेके आई हमने, देखना तो कैसा लगता है। पहुंच, चल जा भाई ध्यान से, असासा मारा। ओके जी, अब मेरी बारी है, हैदर तेरा पायलट आ रहा है, ठीक है? अपना ख्याल रखी दोस्त, आप अपना ख्याल रखा, सबसे पहले आप जा रहे हो। अच्छा डोगर आएगा ना, उसका सीन रिकॉर्ड कर ली, ठीक है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, तो शौक ही बड़ा पुठिया कमा था। मजा आया, पर
ये लगा हुआ देख लो यार जंगल डर भी लगा डर पता कदों लगा जो वही हो मैं क्या मान तू चलो जी मेरी बारी स्टार्ट हो गई मेरी जान आ गई चेक कर रहा डड्डू लग रहा आगे बैठा हुआ पूरा डड्डू पूछते हैं इसका कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई मुझे तो बहुत मजा आया डोगर का भी मजा आया हाँ जी सरकार है कैसा दोबारा लेते हैं अब मैं दरवाता हूँ दूसरी वाली वो वाली वो वाली वो देख रहा है वो ज्यादा ऊपर जाती है और बहुत तेज जाती है मेरी पता मेरी वीडियो शूट नहीं पहली वाली क्यों जब टेक हुआ ऑफ हुआ ना अच्छा मेरी बात सुन वो देख रहा है परों वाला देख रहा है ये पहला शूट था ना रुक जाना इधर देख वो देख रहा है परों वाला इसमें लेते हैं ठीक है इसमें करते हैं ओके अच्छा जी पहली थी पैराशूट वाली अब ये पूरा जहाज है ये हमारे पायलट है जफर भाई क्या हाल है ठीक है अच्छा ये जफर भाई क्या हाल है मेरे साथ कौन जा रहे हैं मैं जा रहा हूं आप जा रहे हैं चलें जी बिस्मिल्लाह मैंने आगे बैठा पीछे बैठना मैं कहता हूं आगे बैठता हूं मैं चलाता हूं आज क्या ख्याल है कि नहीं अच्छा ये बहुत तेज वक्त है अच्छा दूसरा आ रहा है जहाज उसमें आपने जाना है अब शूट कर लेना यहां से ठीक है मैं जा रहा हूं आ रहा जहाज दूसरा आ रहा ठीक है चलो जी Come on.
बड़ा मजा आया। अच्छा जी, हैदर और डोगर दोनों नहीं माने, वो जो दूसरा वाला जहाज था ना उसमें बैठने के लिए नहीं माने, कहते हमने देखा वो तो ऐसे उल्टा हो जाता है, हमने नहीं जाना, हमारा पहले ही सर दुख रहा है, खाना सारा बाहर आ रहा है। अच्छा, व्लॉग को फिलहाल यहाँ पर कर रहा हूँ मैं एंड, हम थोड़ी देर अभी और घूमे फिरेंगे, व्लॉग को मजीद प्रोलॉन्ग मैं नहीं करूँगा, ठीक है। एक बात जो मैं लास्ट कहना चाहूँगा, कोई भी रिलेशन हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे आपकी बीवी है, चाहे आपका दोस्त है, एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एफर्ट्स डालेंगे तो फिर आप अगले बंदे से भी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं रह सकते। वो कहते हैं ना पंजाबी जी का, होते थुक च पकौड़े नहीं तले जाते। चल भाई, कसम खुदा की तूने दिल दुखाया, तूने दिल दुखाया। मैं गया नहीं उत्ते, मैं दूसरी जगह भी जाना था ना, 30,000 फुट की बुलंदी से गया, बस कर वीडियो देख लेंगे यार, मैं बनाई दूसरी बार भी जाना था ना, मैं जिंदा जाना है कार। वैसे वो क्या कर रहा था, ऐसे कर रहा था ना, उल्टा हो गया था ना, है ना। हां वो दूसरी मजा आ रहा था ना, दौड़ना आ गया, मैं कह रहा जिम में पानी जो चुक रहा पागल हो गया। अच्छा जी, अभी चलते हैं डेजर्ट सफारी, हम वहां जाकर जीप चलाएंगे। व्लॉग को फिलहाल करते हैं यहां पर एंड। अम्मा ने भी अच्छी अपनी ईद गदीर सेलिब्रेट कर ली, हमने भी अच्छी कर ली, अच्छी हुई ना भाई, मजा आया। अल्लाह पाक आपकी भी कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमारी भी कबूल फरमाए। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुलाकात कर इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, पता नहीं किस व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं अपने। बाय बाय, टेक केयर, ओके, बाय 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 बाय। Yeah.